नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी एग्जाम्स की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर क्या अपडेट्स आई हैं, नए पदों का होने वाला है सृजन, उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भाई उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से लेकर क्या अपडेट आई है। सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के पदों को बढ़ाने की दोस्तों यहां पर फैसला लिया गया है। अब इसके लिए दोस्तों प्रस्ताव भेजा जाएगा राज्य में। दोस्तों इस समय पर कई स्कूल ऐसे हैं जिनको कि हाई स्कूल से उच्चीकृत कर दिया गया है इंटरमीडिएट स्कूल में। तो ऐसे जो इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं जहां पर दोस्तों प्रवक्ता के कम पद हैं उनको दोस्तों बढ़ाने का प्रस्ताव अब एजुकेशन डिपार्टमेंट यहां पर भेजने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों जब प्रवक्ता के पद बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स दोस्तों वहां पर भर्ती निकलने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते। तो एक बार पूरी खबर पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। राज्य में हाई स्कूल से उच्चीकृत कर इंटरमीडिएट बने कॉलेज में प्रवक्ताओं के पद बढ़ाए जाएंगे। जिन कॉलेजों में प्रवक्ता के सिर्फ 5 पद हैं वहां पद संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने सभी सीईओ को पद सृजन के प्रस्ताव के निर्देश दिए हैं। सीईओ स्कूलवार सत्यापन करने के बाद छात्र संख्या के अनुसार नए पद का सृजन करने के लिए प्रस्ताव एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे। और सरकारी माध्यमिक स्कूलों में रेगुलर शिक्षकों के पद काफ़ी कम है और ऐसे में दोस्तों क्या हो रहा है कि फिलहाल अतिथि शिक्षक व्यवस्था से ही काम चलाया जा रहा है। अब हाल में ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग में सभी रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। अब इसके लिए दोस्तों इन्होंने बीच में सचिवालय में मीटिंग भी रखी थी, वहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्शन रखा था कि हम 4 साल में किस तरह से चरणबद्ध सारे पदों को भरेंगे। तो यही चीज़ है कि इसके तहत विभाग ने भर्ती का 4 साल का चरणबद्ध प्लान भी बनाया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो भर्ती है दोस्तों इन्होंने बताई है कि 2024 में हम सबसे ज़्यादा भर्तियां करेंगे और वो तो इन्होंने करनी है क्योंकि उस समय पर तो इलेक्शन का टाइम रहेगा। तो इसी कड़ी में उच्चीकृत इंटर कॉलेजों में नए पद सृजित किए जा रहे हैं। इस वक्त दोस्तों प्रवक्ता एवं LT कैडर में स्थायी शिक्षकों के 4200 के करीब पद दोस्तों इस समय पर रिक्त हैं और अतिथि शिक्षक इसमें सेवा फिलहाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिलहाल इंटर कॉलेजों में दोस्तों प्रवक्ताओं के पदों को बढ़ाने की यहाँ पर बात चल रही है। अभी बहुत से दोस्तों ऐसे स्कूल हैं जिनको हाई स्कूल से उच्चीकृत कर दिया गया है इंटरमीडिएट कॉलेजेस में। अब इंटरमीडिएट जब कॉलेजेस में होता है तो फिर वहाँ पर दोस्तों लेक्चरर के काफ़ी सारे पद हैं उनका सृजन होगा क्योंकि वहाँ पर अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी। तो ऐसे में दोस्तों ये जो बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि जब सरकार नए पदों का सृजन करती है तो फिर वहाँ पर ऑफकोर्स वहाँ पर क्या होता है उन पदों को नई भर्ती में शामिल किया जाता है। कोई भी जब आपकी लेक्चरर की भर्ती निकलेगी तो वहाँ पर उन पदों पर विज्ञापन आपका सबसे पहले जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिले से प्रवक्ताओं की संख्या की रिपोर्ट तलब की है क्योंकि दोस्तों इसके अलावा प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग अब बना रहा है और इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द भेजा जाएगा। कोशिश तो ये कह रहे थे कि मई में ही भेजा जाएगा क्योंकि इन्होंने अभी आपने देखा होगा कि भाई जिस तरह से मुख्य सचिव के द्वारा काफ़ी इनको डांट पड़ी है और कहा गया है कि तुरंत इनके द्वारा अध्याचन भेजा जाए, इवन चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो तो उनसे भी तुरंत अध्याचन दोस्तों मांगे गए थे। तो उन्होंने बताया था कि भाई मई में हम इसको भेज देंगे। अब देखना ही रहेगा कि भाई मई तक वहाँ पहुँचते हैं या पहुँचते हैं या मई एंड तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते या जून लग जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। अध्याचन तो जाएंगे शासन में और शासन से फिर UKPSC UK SSC के बाद जरूर पहुँचेंगे। तो जिन स्कूलों में 5 ही पद स्वीकृत हैं उनमें नए पदों के सृजन का बन रहा है प्रस्ताव। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो प्रधानाचार्य है 1387 पद हैं रिक्त 1007। अब इसमें भी सीधी भर्ती होने वाली थी प्रधानाचार्य पर लेकिन ये तो लटक गई। इसमें 50% पदों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से इसको भरा जाना था लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, उसमें भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो 1007 प्रधानाचार्य इसमें पर रिक्त हैं। अब प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर की बात करें तो वो भी 575 आधे से ज़्यादा वो भी रिक्त हैं। प्रवक्ता की बात करें तो इतने स्वीकृत हैं 12495, 3272 इस समय पर फिलहाल रिक्त हैं। और LT की बात करें तो 17788 और इसमें देखा जाए तो 2180। अब यहाँ से दोस्तों अगर ये LT अगर प्रमोशन हो जाते ना 2200 प्रमोशन हो जाते तो आप देख सकते हैं कि 4000 से ऊपर दोस्तों इस समय पे LT के पद रिक्त हो जाते, लेकिन अभी फ़िलहाल किस्मत साथ नहीं दे रही है ना
प्रमोशन जिनका होना है एलटीसी प्रवक्ता उनका साथ दे रही है, ना भी बेरोजगारों का फिलहाल किस्मत साथ दे रही है। लेकिन फिर भी होप कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बने। इसके अलावा सीआरसी बीआरसी की भी दोस्तों 950 पदों पर भर्ती आनी है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, ये परमानेंट भर्ती नहीं है, ये दोस्तों आपकी एक आउटसोर्स के माध्यम से भरी जाने वाली भर्ती है। लेकिन इसमें आपको एक अच्छा मानदेय मिल जाएगा, 40,000 रुपये आपको एक सैलरी दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो काम होता है सीआरसी और बीआरसी का दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों इनका जो काम होता है थोड़ा देखरेखी होती है कि भाई स्कूल में मिड डे मील सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉपी किताब सब कुछ प्रॉपर है नहीं है, तो ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं होता। इसके साथ साथ रह के भी आप अच्छी प्रिपरेशन अपने आगामी भावी भविष्य के लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल अब जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अभी इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें एग्ज़ाम होगा ही नहीं होगा, तो अभी तो फिलहाल दोस्तों हमें भी नहीं पता है कि इसमें कोई टेस्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले इसमें डेपुटेशन के माध्यम से भरा जाता था, डायरेक्टली बुलाया जाता था और सीधे सीधे भर दिया जाता था। लेकिन अब इसमें फिलहाल जब नए आउटसोर्स को एजेंसी चेंज करेगी तो कुछ ना कुछ वो मानक जरूर रखेगी, क्या पता आपका टेस्ट ले या इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन करे, जैसा भी रहेगा वो आपको ज़रूर अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।